बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां इंद्रपुरम में एक महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई है। महिला डॉक्टर का शव देर रात उनकी क्लिनिक में मिला। दरअसल रात करीब 1 बजे तक महिला डॉक्टर अपने घर वापस नहीं लौटी, तो महिला के पति और बेटी ने क्लिनिक पर जाकर देखा, जहां महिला डॉक्टर का शव खून में लथपथ पड़ा मिला। जानकारी के मुताबिक महिला की हत्या धारदार हथियार से की गई है। हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, महिला डॉक्टर की हत्या हो जाती है, शुरुआती जांच में क्या बात सामने आई है? देखिए, शुरुआती जांच में अभी तक पुलिस का कहना है कि अभी जांच चल रही है, क्योंकि कौन हमलावर था, क्या नजदीकी हमलावर था या फिर किसी रंजिश में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि महिला डॉक्टर गायनेकी डॉक्टर है और इलाके में कई सारे और दूसरे इलाज भी करती हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो शाम को लगभग 6 से 7 के बीच में मौजूद थी और उसी वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब उन्हें सूचना मिली है तो कम से कम 5 से 6 घंटे पहले मर्डर हो चुका था। तो इसका कयास यही है कि अब हमलावर की तलाश की जा रही है। जो आसपास के 3-4 CCTV कैमरे हैं उनको उनका फुटेज कब्जे में लिया गया है और साथ ही परिवार से पूछताछ की जा रही है कि क्या इस हाल फिलहाल में किसी को धमकी मिली थी या किसी से कोई विवाद की कोई वजह रही। तो फिलहाल पुलिस की टीमें जांच कर रही है, लेकिन अभी तक हमलावर का सुराग नहीं है। दीपक, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेंगे, फिलहाल शुक्रिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। पेट्रोल की कीमत में आज 12 पैसे प्रति लीटर, डीजल के दामों में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82.48 रुपए और डीजल की कीमत 74.90 रुपए है। मुंबई में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 88.03 रुपए जबकि डीजल की कीमत 78.61 रुपए है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों आम लोगों को तेल की कीमतों पर 2.50 रुपए की राहत दी थी, लेकिन लगातार बढ़ रही कीमतों की वजह से सरकार की तरफ से दी गई राहत का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार ने आम जनता को डीजल और पेट्रोल में 5 रुपए की कटौती करके जो राहत दी थी वो महज दिखावा साबित हो रही है, और ये हम नहीं जो बढ़ते दाम डीजल और पेट्रोल के वो बता रहे हैं। इस आज जो पेट्रोल का दाम है वो 88.03 रुपए, ये जो कल दाम था 87.91 रुपए था, 12 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ये 88 को पार कर गया है। इसके अलावा जो डीजल का आज का दाम है वो 78.61 रुपए, कल जो दाम था वो 78.31 रुपए था, यानी कुल मिला के 30 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अभी तक की अगर बढ़ोतरी की बात करें, पिछले कुछ दिनों में जब सरकार राहत दी थी तब से जो पेट्रोल का दाम है वो करीब 2 रुपए बढ़ चुका है और जो डीजल का दाम है वो भी करीब 1.5 रुपए के आसपास बढ़ चुका है। यानी जो जनता को राहत थी 5 रुपए की वो घटकर अब 3 रुपए के आसपास रह गई है। तो जाहिर सी बात है जो ये राहत दी गई थी लोगों को वो जो है सरकार की तरफ से सरकार तो कम कर दी, लेकिन पेट्रोल कंपनियों पर नियंत्रण नहीं रख पाई और पेट्रोल कंपनियां हर दिन जो है जो दाम है वो लगातार बढ़ाते जा रही हैं, और यही वजह है कि जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुसीबत, क्योंकि पुराने स्तर पर अगर पेट्रोल और डीजल का दाम पहुँचता है तो शायद जो दिक्कत है वो जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए बढ़ेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की त्रिची से दुबई जाने वाली फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। त्रिची में उड़ान भरते वक्त विमान हवाई अड्डे की दीवार से टकरा गया, जिसके बाद विमान काफी देर तक ATC के रडार से भी गायब रहा। सुबह 5:30 बजे विमान की लैंडिंग मुंबई में करवाई गई। विमान के सभी यात्री सुरक्षित हैं। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, बड़ा हादसा टल गया। बिल्कुल सही कहा जसप्रीत आपने, एक बड़ा हादसा था जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट उड़ान भरी थी, जिसे दुबई जाना था, लेकिन 1:30 पर जब ये जहाज उड़ान भरा था तो जो बाउंड्री वॉल होती है एयरपोर्ट की, जो एयरपोर्ट में जो आखिरी लाइटिंग होती है उससे वो टकरा गया था। आप जो फोटोज आए उसमें साफ तौर पर देख सकते हैं पिक्चर में किस तरह से बाउंड्री वॉल टूटी हुई है। साथ ही साथ ये जो प्लेन है इस हादसे के बाद तकरीबन 1.5 घंटे तक ATC रडार से अचानक गायब हो गया था, तो पूरे हिंदुस्तान में आपको सबसे का माहौल हो गया था कि ये फ्लाइट एक्चुअली कहाँ हुआ है। लेकिन रात बात ये कि सुबह के तकरीबन 4 बजे के आसपास जो मैंगलोर एजेंसी है वो जहाज के संपर्क में आया, और जब पता चला कि एयरक्राफ्ट को काफी डैमेज पहुंच चुका है तो आनंद फानंद में इसकी जो इमरजेंसी लैंडिंग है मुंबई में सुबह 5:20 पर कराई गई। हालांकि इस पूरे हादसे में जो एयरक्राफ्ट काफी डैमेज हुआ है, लेकिन जो 136 यात्री मौजूद थे वो पूरी तरह से सुरक्षित है। विवेक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।